हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा उसको आराम हो रहा है। और आज हम निकले हैं किसी के दर्शन के लिए, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। आप लोग भी उनका दर्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर उनके दर्शन के लिए जाते हैं और उन्हीं की कृपा से शायद मेरा बच्चा बच गया, नहीं तो पता नहीं कितना वो जल जाता। तो बहुत बड़ी ग्रह थी कि सिर्फ हाथ ही उसका जला और उस कहीं नहीं उसको चोट पहुंची। तो अभी हम आप लोगों को मिलवाते हैं उनसे। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये लखनऊ शहर की सड़कें हैं और हमारा लखनऊ शहर बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी कभी कभी निकला करिए घर से बाहर, जो लखनऊ के हैं वो जानते होंगे। और अभी हम पहुंचने वाले हैं बाबा जी के घर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है मनकामेश्वर मंदिर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बाबा मनकामेश्वर मंदिर है। ये भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम अक्सर यहाँ आते हैं, जब भी हमें बाबा जी के दर्शन का मन होता है या मुझे कुछ दुख या तकलीफ़ होती है, तो इनके आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं कि बाबा जी सब कुछ अच्छे से ठीक कर दें। और जब मुझे कोई खुशी होती है तब पर भी हम आते हैं। जब से हम लखनऊ में रह रहे हैं तब से हम कई बार आ चुके हैं इनके दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, फूल और प्रसाद सब ले लेती हूँ, तो उसके बाद मैं दर्शन करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही थी फूल वगैरह, भांग धतूरा दूध सब देते हैं। और अभी मैं चलती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और पहले तो अंदर तक जाने देते थे, लेकिन जब से ये कोरोना हुआ है तब से लगा दिए हैं, यहाँ पे रेलिंग जैसी बना दिए हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। तो यहीं से ही दूध चढ़ा दिया जाता है और प्रसाद और फूल वूल सब दे दिया जाता है, वो चढ़ा देते हैं जो अंदर रहते हैं। तो दूध का पैकेट अकेल खोल के यहाँ से चढ़ा दिया जाता है, जिस सीधे भगवान जी के ऊपर गिरता है। तो वैसे यहाँ पे कैमरा अंदर ले आना मना है, लेकिन हमने चुपके से धीरे से ये देखिए आप लोगों को दर्शन करा दिया है भोले बाबा का। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जगह जगह कैमरा लगा हुआ है और मना है कि फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और आप भी मेरे साथ पूजा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइएगा, बहुत ही अच्छा और मन को सुकून देने वाला मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मंदिर के पीछे शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं और हम लोगों ने भी यहाँ पूजा की थी। तो आइए आप लोग भी पैर छू लीजिए भगवान जी का, दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये पीपल का पेड़ है, ये भी बहुत पुराना है। ये मंदिर की दाहिनी तरफ है, पीछे की तरफ। तो बहुत सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे घर से, करीब 7:30 के करीब निकल गए थे। और मेरे बेटे को देखने के लिए मेरे मम्मी पापा भी आए थे, तो हमने कहा चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो हम उन्हीं के साथ लेके चले आए थे और अब दर्शन मेरा हो गया था, अब हम घर जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा, क्लिप थोड़ी छोटी ही है लेकिन जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये है बहुत बड़ा एक मॉल बन रहा है वो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नए हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मेरा बेटा भी अब थोड़ा थोड़ा अच्छा है, उसका हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। आप सबने इतना अच्छे से मुझे सांत्वना दी, अच्छे से भर भर के कमेंट किए हैं और
सहयोग और सपोर्ट किया है, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज हम दर्शन करने गए थे जो कि आप लोगों को हमने दिखाया, और अभी हम घर आ गए हैं दर्शन करके। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, तो मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं और कढ़ाई में मैंने तेल रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूड़ी बनाने, और मैं बनाऊंगी आलू कद्दू की सब्जी है पूड़ी। तो ठंड बहुत है, बहुत तेज, बहुत ही ठंड लग रही है मुझे। तो गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी खाएंगे, और आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगले वीडियो में थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि हम रोज रोज या नहीं डाल पाएंगे, एक दो दिन में, दो चार दिन में एक वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं पूड़ी।